साथियों, बीते 8 साल की तुलना अगर आप उसके पहले के 3 दशक से करेंगे तो एक बात जरूर नोट करेंगे, हमारे देश में रिफॉर्म्स की जरूरत तो हमेशा से महसूस की जाती रही थी, लेकिन पॉलिटिकल विल पावर की हमेशा कमी रहती थी। पिछले 3 दशकों में लगातार बनी रही राजनीतिक अस्थिरता के कारण देश ने लंबे समय तक पॉलिटिकल विल पावर की कमी देखी। इस वजह से देश रिफॉर्म से, बड़े फैसले लेने से दूर ही रहा। 2014 के बाद से हमारा देश राजनीतिक इच्छा शक्ति को भी देख रहा है और लगातार रिफॉर्म भी हो रहे हैं। हमने दिखाया है कि अगर ईमानदारी के साथ, इच्छा शक्ति के साथ रिफॉर्म की प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जाए तो जन समर्थन अपने आप बढ़ता है। फिनटेक का उदाहरण हमारे सामने है। जिस देश में कभी बैंकिंग ही एक प्रिविलेज मानी जाती थी, उसी देश में फिनटेक सामान्य नागरिकों के जीवन को बदल रही है। जहां कभी बैंकों के प्रति भरोसा कायम करने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती थी, वहां अब दुनिया की 40% डिजिटल ट्रांजैक्शन हिंदुस्तान में हो रही है।